आपको गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया। यह प्रत्याशी घोषित कर रहे, चुनाव लड़ रहे, यह भी हमारे संघर्ष का एक मार्ग है कि हमारे शिक्षक देखिए बेसिक समस्या ये है कि जो भी सरकारी तंत्र हमारा है वो पूरी तरह से इसको ऊपर से नीचे तक जहाँ जो जानना चाहिए, जैसे BSC बैठे हुए हैं उनका उनकी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक स्कूल जो भी जिस भी गांव में है, जिस भी ब्लॉक खंड में है, उसको पूरी तरह से इवेल्युएट करें, उसकी मॉनिटरिंग करें। लेकिन सरकारी तंत्र जो है एक तरह से इसके लिए जिम्मेदार है, जो जितना फंड एलोकेशन हो रहा है ऊपर से उतना नीचे तक नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बेसिक रूप से हम सरकारी तंत्र को जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप सदन में पहुँचते हैं तो क्या करेंगे आप शिक्षा जगत के लिए? नहीं, हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को प्रॉम्प्टली पूरे प्रभावी तरीके से हम उनको उठाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि सरकार उस पर उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करें और उसको जमीनी स्तर पे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे और वहाँ जाके मूल्यांकन भी करेंगे। और अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसके लिए हम चाहेंगे कि पुनः उस बात को हम सदन में रखें। देशबंधु शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष, शासकीय माध्यमिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश एवं गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से भी प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। शिक्षा में जिन गुणवत्ता की कमी आई है उसके लिए हमारी सरकार है और हमारे जो आज तक शिक्षक नेता हुए ये दोनों जिम्मेदार हैं। सरकार की जिम्मेदारी तो नज़र आ रही है, शिक्षकों की जिम्मेदारी बताइए। नहीं, इसमें शिक्षक भी दोषी है और अभिभावक भी दोषी है। अभिभावक, शिक्षक और यह सरकार की व्यवस्था और शिक्षक नेता, क्योंकि इतने दिन तक शिक्षा में अगर पूर्ण गुणवत्ता नहीं हुई, जैसे अभी हमारे माननीय अध्यक्ष बता रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा में लगभग 40,000 ऐसे विद्यालय हैं प्रदेश में जिनमें जो हमारे शिक्षक हैं उनको 3500 से 4000 तक वेतन मिलता है। अभी हमारे एक मित्र ने चर्चा प्रश्न किया कि आखिर जो विद्यालय सरकारी हैं उसमें जो प्राध्यापक वो 35,000 से 4,000 वेतन पाता है, लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक है वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहता है और उसे 3500, 4000, 5000 अगर अधिकतम कहीं होगा तो 10,000 तक वेतन मिलता है। बड़ा दुर्भाग्य है।